नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है एक विशेष जानकारी में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रोफ्रेंड संतोष संतोषी। एक बहुत लंबे तूफान को हम सब मिलकर के टालने के करीब है, एक महामारी से हम लोग उबरने के करीब है। जो भी हो, हम सब बच सकते हैं, हमें बचना चाहिए और हमें बचने का अधिकार है, जिसकी वजह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हम सब कंधे से कंधा मिला करके पूरी शिद्दत से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है कि वाह, धैर्य हो तो हम भारतीय हो जैसा। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को नमन करते हैं और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि कौन सी जानकारी हम लेकर आए हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 26 तारीख को अक्षय तृतीया है, जिसे अक्खा तीज कहा जाता है। यह तृतीया तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया है। इस बार जब यह तृतीया तिथि पड़ रही है तो उस दिन शनि, बृहस्पति और मंगल एक साथ धनु राशि मकर राशि में सुशोभित हो रहेंगे। मंगल के साथ स्वग्रही शनि है और बृहस्पति है। तर्क सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। और ये कार्यक्रम मोबाइल से शूट हुआ है तो फिर भी देखिए कितने कम संसाधन में कितना बढ़िया कंटेंट और कितनी सभी हुई भाषा में कितनी अच्छी जानकारी आप पहुंच पा रहे हैं। आप मोबाइल से ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, मोबाइल से ये शूट हुआ है और इसे जो बनाने वाले हमारे गौरव अग्रवाल जी हैं, एक बार उनको भी सल्यूट है जो अपना समय देते हैं और इस विशेष कार्यक्रम को आप सब तक पहुंचाते हैं। आप लोग भी उन्हें राम राम जरूर कहिएगा और उन्हें हृदय से थैंक्स कहिएगा। जानकारी यह है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि मात्र दो दिन का समय है। अगर किसी के जन्मांक में, ये अचानक से मेरे मस्तिष्क में आया है और इसके पीछे के भी दो कारण हैं। हर किसी का कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ व्यवस्था और पेट भर रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन के समय पर एक बहुत बड़ा ग्रुप और परिवार है जो कर्मकांडी ब्राह्मणों का है, जो कि मंदिर पर आए चढ़ावे से या कुछ कर्मकांड करके अपना और अपने परिवार का उदर पालन करते हैं। बहुत बड़ा एक ग्रुप है ऐसे ब्राह्मणों का, जो जाति और कर्म दोनों तरह से ब्राह्मण होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पब्लिक नहीं निकल पा रही, जिसकी वजह से उनके पास कहीं से भी दक्षिणा नहीं पहुंच पा रही जिससे वो अपने परिवार का या अपना भरण पोषण करें। होगा, जरूर होगा, कुछ बचाया होगा, चल रहा होगा, लेकिन मेरे साथ कुछ परिवार कर्मकांडी ब्राह्मणों के जुड़े हुए हैं, जिसके लिए कुछ न कुछ काम हम देते रहते हैं आप लोगों के द्वारा, आप लोगों की ग्रहीय शांति के लिए। तो अभी अक्षय तृतीया आया है, बहुत सारे बच्चे कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण खाली बैठे हैं। कुछ आप लोग चाहें तो घर बैठे लाभ ले सकते हैं। वो लाभ क्या लेना चाहिए, किन किन को लेना चाहिए, वो जानकारी मैं बता देता हूं। अगर आपके जन्मांक में, आपके बच्चे के जन्मांक में तीन ग्रह शनि मंगल और बृहस्पति तीन ग्रह किसी भी सूरत में दूषित या पीड़ित हैं आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में, आपके साले की कुंडली में, आपकी पत्नी की कुंडली में, आपकी सास की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में, आपको अगर ये पता है कि बृहस्पति पीड़ित है, शिक्षा और विवेक दो चीजों से जुड़ा है बृहस्पति, आप निर्णय ना ले पाते हो तो बृहस्पति पीड़ित होगा, आपकी पढ़ाई रुक रही होगी तो बृहस्पति पीड़ित होगा, ये कन्फर्म है। बाकी पंचमेश और सूर्य का रोल होता है, जनरल चीज बताता चल रहा हूं, कैसे जाने आप। शनि अगर पीड़ित है, शरीर से बहुत गंदी स्मेल आती है, शनि पीड़ित है, घर में कम उम्र में मौत हो जाती है। मंगल पीड़ित है, आप विधवा हैं या आपके जन्मांक में द्वितीय या अष्टम में मंगल बैठा है तो मंगल पीड़ित है। नीच का मंगल है, बार बार धोखा मिलता है, कोई भी पुरुष या स्त्री आपको पूरी तरह से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, मंगल पीड़ित है। अष्टमस्थ मांगलिक हैं आप, द्वितीयस्थ मंगल है आपके, तो मंगल पीड़ित है। ये महिला के लिए खासतौर पर, जिसके कुंडली में अष्टमें और द्वितीय का मंगल वैधव्य दुख की तरफ इशारा करता है, या बृहस्पति शनि और मंगल की दशा चल रही हो, अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो, तो आप सब के लिए 25 और 26 तारीख दो दिन, दो दिवसीय, एक
बृहत मंत्र के साथ बहुत छोटे रूप का अनुष्ठान आचार्य शैलेश उपाध्याय जी के साथ संपन्न होगा अपने ही जगह पर। आपको करना क्या है, केवल 93546 नंबर नीचे चल भी रहा है, 93546 19250, सीधे आचार्य शैलेश उपाध्याय जी फोन उठाएंगे, आप इनसे बात करिए और संकल्पित होकर के इस अक्षय तृतीया के तीन महासंयोग का लाभ ले लीजिए और उन ब्राह्मण परिवारों के महाआशीर्वाद का भी प्राप्ति कर लीजिए जो इस समय एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जी हां, क्योंकि उनका भी हक बनता है, हमसे जो बन सका रहा है एक ज्योतिषी के रूप में, एक जानकार के रूप में, उनके लाभार्थ हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, तो आपका भी फायदा हो। एक बहुत बड़ी समस्या से, जीवन की एक बहुत बड़े गृही पीड़ा से कुछ मरहम की तरफ बढ़ना हो और जीवन में सुख शांति की कामना हो। 25 को भी तीज है, 26 को भी तीज है, 25 की दोपहर अनुष्ठान बैठेगा और ठीक 24वें घंटे के आसपास में 26 की दोपहर इसका हम हवन करवा देंगे, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए, कॉल कर लीजिए, आपके किसी परिचित के जन्मांक में इस तरह की ग्रहीय पीड़ा हो, 8वें का मंगल हो या दूसरे का मंगल हो, वैधव्य दुख बना हो या फिर किसी और तरह के सिम्टम्स मैच करते हो, तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बस हमारे पास समय बहुत कम बचा है, आपके पास 25 की दोपहर तक बुक कराने का समय है। बुकिंग के लिए इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, शैलेश उपाध्याय जी, आचार्य जी जो मुख्य आचार्य रहेंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे और घर बैठे आपको एक विशेष लाभ प्राप्त होगा और जो पुण्य आशीर्वाद मिलेगा ब्राह्मणों के पेट भरने का वो तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, नमस्कार। और हाँ, कॉल करना ना भूलिएगा, 93546 19250 ये नंबर। नमस्कार, श्री राधे।